हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। आज मैं आपके लिए आई हूँ ब्राइडल दुपट्टा सेटिंग। आज हम डबल दुपट्टा सेटिंग करेंगे कि किस तरह से करनी है, और मैं उसमें आपको ट्रिक बताऊंगी कि अगर आपके पास सिंगल दुपट्टा है तो किस तरह से सेटिंग करें सेम वे में, एक ही फॉर्म में। तो मेरे पास यहाँ पे डबल दुपट्टा है जो कि एक बैक में रहेगा और एक साथ हम सेटिंग करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये है मेरे पास मेरा दुपट्टा, आप देख रहे हैं, और इसको हमने पर्टिकुलरली सेट करना है, और इसकी हमने एक साइड लेनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने जस्ट एक कॉर्नर लिया है और इसको यहाँ पर अपने साइड में पिन की हेल्प से अच्छे से टाई अप कर देंगे। आपने यहाँ पे थोड़ी बड़े वाली पिन का यूज़ कीजिएगा, और उसी साइड को आपने अपने शोल्डर पर रखना है, ऑपोजिट साइड के शोल्डर पर, और शोल्डर पर रख के आपको यहाँ पे 3 अटैचमेंट करनी है, और जितना दुपट्टा आप आर्म पे रखना चाहते हैं उतना रखिए। इससे आपका दुपट्टा ओपन रहेगा और ये बिल्कुल लेटेस्ट स्टाइल है। यहाँ पे आपके 3 पिन्स लगेंगे, 1, 2 एंड 3 बैक में भी 3 पिन्स आपको यहाँ पे लगानी है। 3 पिन्स प्रॉपरली लगाने के बाद अपने दुपट्टा को आपका प्रॉपरली ये सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रेस्ट ऑफ दुपट्टा है आप अपने बैक से लाकर फ्रंट में लाएंगे, और फ्रंट में लाकर आप इसका दूसरा कॉर्नर होल्ड करेंगे, जो दूसरा कॉर्नर है ये वाला होल्ड करेंगे, और अपने साइड में जहाँ पे आपने टाई किया था वहीं पे ही आप इसको अपने साइड में अपने लहंगे में अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इसे अपने लहंगे के साथ ही अटैच करना है। अब आप देखिएगा फ्रेंड्स, हमने जैसे कि यहाँ पे अटैच किया, तो अब हमने इसे ऐसे नहीं छोड़ना है, यहाँ पे आप बॉर्डर क्रिएट कर लीजिए। डबल बॉर्डर आपका क्रिएट हो जाएगा और बहुत ही अच्छा इफेक्ट देगा। डबल बॉर्डर कैसे क्रिएट करना है, आपने अपनी पिन लेनी है, ऊपर से भी इसको पिन से अटैच करेंगे और नीचे से इस तरह से आप लाएंगे, तो यहाँ पे आपका डबल बॉर्डर क्रिएट होगा। नीचे से जितना भी दुपट्टा है उसे अटैच करते हुए बैक में हम यहाँ पर पिन लगाएंगे। आप दो तरीके से इसे ले सकते हो, एक तो आप पिन लगाइए अगर आप सिंगल दुपट्टा के साथ काम कर रहे हो, अगर आपके पास डबल दुपट्टा है तो आपको सिंगल अलग लेना है, दूसरा अलग लेना है। लेकिन अगर आपके पास एक ही दुपट्टा है तो उसका भी वे है। सबसे पहले अगर डबल दुपट्टा है तो यहाँ पे पिन लगा लीजिए और आपको यहाँ पे बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा। और दूसरा केस ये है कि अगर आपके पास एक ही दुपट्टा है तो आपको ये पिन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास सिंगल एक ही दुपट्टा है तो आप यहाँ से पिन मत लगाइएगा साइड से, और इसको बैक से उठाते हुए अपने जो आपके हेड पे ये दुपट्टा बिल्कुल ईजिली आ जाएगा, वो भी मैं दिखाती हूँ। ये फर्स्ट वे था। सेकंड वे ये है कि अगर सिंगल दुपट्टा है तो पिन नहीं लगानी है, ठीक है, आपको जस्ट इसको बैक से उठाना है, और बैक से उठाकर ये पिन नहीं लगेगी तो ये जो आपका बॉर्डर है वो नीचे आ जाएगा, और इस तरह से आपको एक पिन बैक में लगानी है। दोनों पिन अपने बैक में लगाकर, अपने शोल्डर के पास लगाकर आप इसे इस तरह से यहाँ पे 2 पिन्स, एक पिन यहाँ पर लगाएंगे और एक यहाँ पे, दोनों साइड लगाएंगे, और इस तरह से आप इसे ले सकते हैं। ये कुछ इस फॉर्म में, थोड़ा सा आगे करके इस फॉर्म में ले सकते हैं, नीचे वाली पिन को स्किप कर दें। लेकिन हमारे पास है डबल दुपट्टा, इसी वजह से हमने जो है सिंगल दुपट्टा के साथ काम नहीं किया हुआ है, हमने डबल दुपट्टा के साथ काम किया है। तो हम क्या करेंगे कि इसको हम ऐसे ही पिन लगा के साइड से बॉर्डर क्रिएट कर लिया था, इसी वजह से हमने यहाँ पे ये बॉर्डर क्रिएट कर लिया, जिस वजह से आपका ये बॉर्डर बना रहेगा और साइड से ये प्रॉपरली डबल बॉर्डर दिखाई देगा। अब आपने जो अपना दूसरा दुपट्टा है सेकंड वाला, वो लेना है, क्योंकि ये आपको अपने चाहिए बैक पे, तो इसे इक्वल पार्ट में इसे कर लें, दोनों साइड से इक्वल रख लें और इसे बैक में लेके जाएं। बैक में ले जाकर आपने क्या करना है, आपने इसे अपने जो आपने बन बनाया है, थोड़ा हाई बन ही रखिएगा, इसको इस तरह से रखेंगे अपने हेड पे, और अपनी पिन के हेल्प से ऊपर से इसे अटैच कर लेंगे। अब ये इसको अभी ऐसे नहीं छोड़ना, इसको भी हमने टाई अप करना है। टाई अप करने के लिए आपने यहाँ पे 2 पिन का यूज़ करना है। एक पिन तो आप अपने इस दुपट्टे के साथ यहाँ पे अटैच करेंगे इस साइड, ताकि ये फॉर्म इसी तरह की बनी रहे, और दूसरी पिन को आप यहाँ पे अटैच करेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी जो फॉर्मेशन है इसी तरह की बनी रहेगी, अदरवाइज़ ये फॉर्मेशन मेंटेन नहीं रहेगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो अच्छे से टाई अप ज़रूर करें, तो ये वाली फॉर्मेशन आपकी पर्टिकुलर बनेगी दुपट्टा सेटिंग की। तो डबल दुपट्टा सेटिंग को आप इजीली सेट कर सकते हैं। ये बिल्कुल नया वेरिएशन है, बिल्कुल न्यू ट्रेंड में, आजकल बहुत ट्रेंड में ये वेरिएशन चल रहा है। तो ये हमारी दुपट्टा सेटिंग। तो एक चीज़ आप और कर सकते हैं इसमें, आप प्रॉपरली इसको जिस भी, अगर आप ओपन रखना चाहते हैं ओपन भी रख सकते हैं,
अगर आप ओपन रखेंगे तो उसका भी कोई अपने बेनिफिट्स हैं, क्यों, ताकि आप इसे अच्छे से होल्ड कर सकें। अगर आप आगे लाना चाहें या कोई भी पोज देना चाहें तो उसके अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड है, आगे रखना चाहते हैं, अगर पीछे रखना चाहते हैं तो डबल पिन से सेटअप ज़रूर करें ताकि ये थोड़ी फैलावट में रहे। और आपके जो हैंड पे जो हमने पहला दुपट्टा सेट किया था वो आपके हैंड पे इसी तरह रहेगा और प्रॉपरली विजिबल होगा। आप चाहें तो बीच की नेट को कलेक्ट करके वहाँ पर भी एक पिन लगा सकते हैं ताकि वो गिरे ना। ये एक हैक है हमारे दुपट्टा सेटिंग के लिए। जैसे कि ये है, यहाँ से इकट्ठा कीजिए और यहाँ पे अंदर की साइड से एक बीच में इकट्ठा करके पिन लगा लीजिए, जिससे कि ये क्या होगा, यहाँ पे पिन लगा लेंगे जिससे दुपट्टा गिरेगा नहीं। पिन हमेशा अंदर की साइड से लगाना। तो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।